सो गाइज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो के थ्रू जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का सामान इस फ्लैट के साथ फ्री मिलने वाला है हमारी वीडियो के थ्रू, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज, आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी व्लॉग। गाइज जैसा कि आपकी हमेशा डिमांड रहती है, अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आपको प्राइम लोकेशन पे कुछ फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सोसाइटी दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको विलास भी मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ फ्लैट्स के कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही प्राइम है गाइज। प्रोजेक्ट की लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर इकोटेक 3 के अंदर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, चारों तरफ से कनेक्टेड है। सो गाइस सोसाइटी के सामने आपको 40 फीट का वाइड रोड मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको 40 फीट का ग्रीन बेल्ट मिलेगा, अथॉरिटी का ग्रीन बेल्ट होगा, करीबन 5 एकड़ का आपको अथॉरिटी का पार्क मिलने वाला है। अगर मैं पर्टिकुलर सोसाइटी की बात करता हूँ तो 2.25 एकड़ में पूरी सोसाइटी है जिसके अंदर आपको कुछ विलाज और कुछ फ्लैट्स के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। गेटेड कम्युनिटी है, 24/7 सिक्योरिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर गार्ड फैसिलिटी भी मिलने वाली है। सो नॉर्मली होता क्या है कि आपको एक बिल्डर फ्लोर सोसाइटी के अंदर फ्री होल्ड के अंदर कभी भी आपको अमेनिटीज़ नहीं मिलती, तो ये पहली सोसाइटी है जहां पर आपको पार्क भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको इंडोर गेम्स भी मिलेंगे, क्लब हाउस मिलने वाला है जिसके अंदर आपको जिमनेजियम की फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं 2 और 3 BHK फ्लैट्स को लेकर, जो क्योंकि विलास का यहाँ पर अगर आप जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं विलास, यहाँ पर कुछ ही विलास बचे हुए हैं। अगर आप विलास में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अब इस वीडियो में हम फोकस करेंगे फ्लैट्स को लेकर जो यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और एक एक करके मैं आपको सारे डायमेंशंस क्लियर करूँगा। 3 BHK फ्लैट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो जल्दी चलते हैं फ्लैट की तरफ, देखते हैं किस तरीके का एरिया प्रोवाइड किया है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। सो गाइज फ्लैट की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सामने की तरफ अगर आप देख रहे होंगे वहां पर आपका एंट्री गेट रहेगा, और ये जो रोड आप देख रहे हैं करीबन 28 से 30 फीट वाइड रोड आपको देखने को मिलेगी, और बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं। जो फ्लैट्स आपको दिखाने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से एलिवेशन रहने वाला है उसका। सो गाइज अगर आप देख रहे होंगे अभी मैं हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आपको कार पार्किंग और लिफ्ट की फैसिलिटी मिलने वाली है इस बिल्डिंग के अंदर, और अभी हम ऊपर चल के दिखाएंगे किस तरीके का फ्लैट यहाँ पर होने वाला है। तो आइए चलते हैं फ्लैट की तरफ। सो आइए गाइज एंटर कर चुके हैं हम हमारे 3 BHK फ्लैट के अंदर, जो कि 1250 स्क्वायर फिट का फ्लैट होने वाला है। यहाँ पर एक छोटा साइज भी है जो कि 2 BHK का साइज है, जो करीबन 950 स्क्वायर फिट का साइज रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लोर टू सीलिंग की तो करीबन 11 फीट की हाइट है, और मेन डोर की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 9 फीट की हाइट पर आपको मेन डोर मिलने वाला है। सो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको ये मेन डोर मिल जाता है जो कि आपका वुडन डोर होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ जिस एरिया की जिसमें अभी हम खड़े हुए, ये हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है। डायमेंशन आप स्क्रीन पर देखते रहिए गाइज, यहाँ पर आपको आराम से 5 to 6 सीटर सोफा आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, साथ ही साथ 4 to 6 सीटर आप यहां पर डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फ्लैट में आगे की तरफ। ये जैसे कि 3 BHK फ्लैट है तो मैं आपको एक एक एरिया क्लियर करने वाला हूं, और वीडियो के एंड में आपको एक ऑफर बताने वाला हूं जो इस वीडियो के थ्रू आपको जाने से मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। सो आइए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का किचन यहाँ पर दिया गया है। ये किचन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ये आपका एल शेप किचन मिल जाता है आपको, जिसके अंदर आपका पूरा मॉड्यूलर वर्क यहाँ पर करा कर दिया जाएगा, चिमनी आरओ और सारी जैसे आप फिटमेंट देख रहे हैं एज इट इज मिलने वाला है।
सो गाइज अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है जिसके साथ आपको ये वार्डरोब इतनी बड़ा स्टोरेज एरिया आपको मिल रहा है। इनफैक्ट ये बनाकर दिया जा रहा है आपको एज इट इज मिलने वाला है। किस तरीके का स्टोरेज आप देख रहे हैं और साथ ही साथ इस साइड आपको विंडो लगा कर दी जाएगी UPVC पैनल के साथ। आपको ग्लास फिटिंग यहाँ पर करा कर दी जाएगी। फॉल्स सीलिंग आपको एज इट इज मिलने वाली जैसा आप अभी देख रहे हैं। इस बेडरूम के साथ आपको ये बालकनी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बालकनी जो होगी वो दोनों ही बेडरूम से कनेक्ट रहेगी। तो मैं आपको दूसरे बेडरूम से दिखाने वाला हूँ ये बालकनी का एक्सेस। सो गाइस सेकंड बेडरूम की तरफ चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है जिसके अंदर सारे ब्रांडेड फिटमेंट्स आपको करा कर दिए जाएंगे। अभी यहाँ पर फिटिंग्स होना बाकी है, जब आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर सारी चीज़ें करा कर दी जाएंगी। टैप फिटिंग्स, कमबोर्ड वगैरह सब कुछ आपको एज इट इज़ लगा मिलेगा। सो गाइस अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। डायमेंशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्पेशियस बेडरूम आपको मिल रहा है। फॉल सीलिंग करा कर दी जाएगी। लाइट, फैन वगैरह सारे कुछ आपको हर बेडरूम के अंदर हर जगह लगा कर दिए जाएंगे। और सबसे यूनिक फीचर इस बेडरूम का ये होने वाला है कि यहाँ पर आपको UPVC पैनल के साथ में ग्लास सेपरेटर लगा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्टेनलेस स्टील का ग्रिल लगा कर दिया जाएगा टफन ग्लासेस के साथ में। तो इस तरीके का बेडरूम का लेआउट आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि जो आपको अब इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस बालकनी से आप दोनों ही बेडरूम का एक्सेस है आपका। इस बेडरूम से भी आपका जो बालकनी का एक्सेस यहां पर होने वाला है करीबन 5 से 6 फीट की ये बालकनी होने वाली है। सो गाइस अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर। ये मास्टर बेडरूम इतना स्पेशियस है जैसा आप अभी देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर वुडन लुक की टाइल्स आपको लगा कर दी जा रही हैं। सामने की तरफ एयर वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो लगा कर दी जाएंगी। साथ ही साथ इसके साथ में आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है जिसके अंदर आपको सारे ब्रांडेड फिटमेंट्स लगा कर दिए जाएंगे। और इस साइड अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका स्टोरेज एरिया आपको एज इट इज़ बना कर दिया जाएगा। कवर्ड वगैरह काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिलने वाला है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको सभी जगह जैसा कि मैंने आपको बताया एज इट इज़ मिलने वाला है यहाँ पर। सो गाइस जैसा कि आपने भी फ्लैट देख लिया है 3BHK का यूनिट आपने इस वीडियो में देखा है। यहाँ पर 2BHK भी अवेलेबल है 950 स्क्वायर फिट के अंदर। अगर मैं प्राइसिस की बात करूँ तो 2BHK का जो प्राइस आ जाता है एज इट इज़ मिलने वाला है। आपको जो प्राइस मिलेगा 2BHK के अंदर वो आपको मिल जाता है 32 लाख रुपये के अंदर आपको ये प्राइस मिलने वाला है। और जो यूनिट आपने इस वीडियो में देखा है तो उसका प्राइस आ जाता है 42 लाख प्लस अदर चार्जेस। अदर चार्जेस में आपको सिर्फ मीटर चार्जेस हैं, क्लब हाउस चार्जेस हैं और कोई चार्जेस नहीं है। और आपका सिर्फ रजिस्ट्री का चार्ज रहेगा जो कि आपका गवर्नमेंट का चार्ज होता है। 80% तक यहां पर आपको लोन मिल जाएगा। फुली डेवलप्ड सोसाइटी है, रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं उस ऑफर के बारे में जो इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाला है। गाइज अगर मैं बात करूं तो इस फ्लैट के साथ अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का सामान मिलने वाला है। जिसमें कि अगर मैं बात करता हूं तो ड्राइंग रूम के अंदर आपको सोफा मिलेगा, फॉल सीलिंग आपको सभी पूरे फ्लैट के अंदर मिलने वाली है। अगर मैं बेडरूम्स की बात करूं तो 2 बेडरूम के अंदर आपको वार्डरोब बनाकर दी जाएगी। साथ ही साथ बेडरूम के अंदर आपको बेड्स मिलेंगे मैट्रेस के साथ में। उसके अलावा किचन के अंदर आपको RO चिमनी गीजर वगैरह की फिटिंग्स, मॉड्यूलर किचन आपको मिलने वाला है। ये सारी फैसिलिटीज आपको इस वीडियो के थ्रू जाने से मिलेंगी। सो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जल्दी जाइए, विजिट कीजिए, इन फ्लैट्स को जल्दी सिक्योर कीजिए। बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, मेन रोड से जो कि अपनी 70 मीटर की रोड है उससे हार्डली आप मान के चलिए कि 50 मीटर अंदर ये लोकेशन है। सभी अमेनिटीज़ के साथ आपको ये मिलने वाली है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। अभी हमारी फैमिली जो है अप्रॉक्सीमेटली 26,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। जल्दी मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली 50,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचे। तो आपका सपोर्ट चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर विजिट कीजिए।